चलो, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था यूरिनरी ब्लड ग्रुप, क्लियर है? यानी यूरिनरी ब्लड का स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन, समझ गए? ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए थे। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, यूरिनरी ब्लड का ही एक लास्ट पॉइंट है ये, कि भाई अब तक उनकी बातें कर रहे थे अपन जिनके अंदर यूरिनरी ब्लड होता है, ठीक है? अब बात करेंगे यूरिनरी ब्लड किन के अंदर नहीं होता, तो बर्ड्स हैं और स्नेक है, सांप, इनके अंदर, सॉरी, इनके अंदर यूरिनरी ब्लडर नहीं होता, यूरिनरी ब्लडर नहीं होता, एब्सेंट है, यानी कि इनके अंदर यूरिन स्टोर नहीं हो सकता, समझ गए? बना डायरेक्ट बाईपास हो जाएगा, कभी कभार गली में चलते हुए तुम लोगों पे छींटे गिरे होंगे। अब सोच सकते हो तुम लोग वो कहां से आए होंगे जब ऊपर कोई ना हो, समझ गए? तो इनके अंदर यूरिनरी ब्लडर नहीं होता, बर्ड्स और स्नेक के अंदर, क्लियर? चलो अब बात शुरू करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। नेक्स्ट पार्ट यूरिनरी ब्लडर के बाद जो पार्ट है वो है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा, यूरेथ्रा डिस्कस करना है हमें। वैसे यूरेथ्रा का स्ट्रक्चर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं यूरिनरी ब्लडर के साथ ही, अब यूरेथ्रा के बचे हुए पॉइंट्स डिस्कस करने हैं, ठीक है? तो बचे हुए पॉइंट्स में क्या कुछ आएगा भाई? तो देखो, यूरेथ्रा में यहाँ हम सिंपल सी बात करेंगे कि भाई डिफरेंस है मेल और फीमेल के यूरेथ्रा के अंदर, क्लियर है? यूरेथ्रा मेल और फीमेल में अलग अलग टाइप का होता है, टू डिफरेंट टाइप्स, क्लियर है? टू डिफरेंट टाइप्स हैं यूरेथ्रा की, कौन कौन सी? तो एक है मेल यूरेथ्रा और एक है फीमेल यूरेथ्रा, क्लियर है? फर्स्ट मेल यूरेथ्रा, सेकंड फीमेल यूरेथ्रा। डिफरेंस क्या है भाई दोनों के अंदर? तो देखो, मेल और फीमेल यूरेथ्रा में डिफरेंस क्या है? मेल का जो यूरेथ्रा है ना, ये फीमेल के यूरेथ्रा की बजाय यानी कंपैरेटिवली लंबा होता है, लॉन्ग है, समझ रहे हो? क्लियर है? और लंबाई कितनी है? तकरीबन 17 सेंटीमीटर का होता है, क्लियर है? मेल यूरेथ्रा, जबकि फीमेल यूरेथ्रा अप्रोक्सीमेट 4 सेंटीमीटर के करीब है। तो तुम लोग क्या कह सकते हो, 1/4 का डिफरेंस है, 4 गुना ज्यादा लंबा होता है यूरेथ्रा मेल के अंदर फीमेल की बजाय, समझ गए? क्लियर है ये चीज पल्ले पड़ी? तो ये डिफरेंस है मेल और फीमेल यूरेथ्रा का। अब यहीं से पता चलता है कि भाई फीमेल के यूरेथ्रा का साइज कम है, मेल के यूरेथ्रा का साइज ज्यादा है, वही स्ट्रक्चर मेल यूरेथ्रा में और वही स्ट्रक्चर फीमेल यूरेथ्रा में होंगे। तो इससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि भाई एक तो छोटे पार्ट में वो सारे स्ट्रक्चर देना, एक बड़े पार्ट में वो सारे स्ट्रक्चर देना, तो अच्छी तरह कहाँ फंक्शन कर पाएंगे वो, जहां साइज ज्यादा होगा। तो फीमेल यूरेथ्रा में मैक्सिमम कंसिक्वेंसेज होती हैं, अगर अपन बात करें मेल और फीमेल को कंपेयर करें कि यूरेथ्रा से रिलेटेड डिसऑर्डर्स, डिजीज किस में ज्यादा होंगी, तो वो कंपेरेटिवली फीमेल में ज्यादा होती हैं, समझ रहे हो? कंपेरेटिवली फीमेल में ज्यादा होती हैं। नेक्स्ट भाई, मेल का जो यूरेथ्रा है ना, उस यूरेथ्रा के थ्रू क्या आएगा? यूरिन तो आएगा ही आएगा, यूरिन तो आएगा ही आएगा, यूरिन के साथ साथ मेल गैमेट्स यानी स्पर्म्स भी आएंगे, क्लियर है? स्पर्म्स भी उसी रास्ते से आएंगे, समझ गए? ये होता है, जबकि फीमेल में सिर्फ और सिर्फ यूरिन आता है, ओनली यूरिन, ओनली यूरिन आता है, क्लियर है? समझ गए? ये डिफरेंस है। अब अगर मेल के यूरेथ्रा से यूरिन और गैमेट दोनों आ रहे हैं, तो इस यूरेथ्रा को हम लोग यूरेथ्रा कहेंगे, बट किस टाइप का? इस यूरेथ्रा को हम लोग स्पेसिफिक टर्म देते हैं, इसे कहते हैं यूरिन आ रहा है यानी यूरिनो, यूरिनो, और गैमेट्स आ रहे हैं, गैमेट्स हमारे जेनाइटल सेल्स है, यानी जहां से क्या होता है, एक नई लाइफ की स्टार्टिंग होती है, ठीक है? जेनाइटल स्ट्रक्चर्स हैं, तो हम लोग कहेंगे यूरिनोजेनाइटल, यूरिनोजेनाइटल डक्ट है, यूरिन और जेनाइटल स्ट्रक्चर्स को कंडक्ट करने वाला डक्ट है कौन? मेल का यूरेथ्रा, क्लियर
क्लियर है। और फीमेल के यूरेथ्रा से सिर्फ यूरिन आता है तो हम लोग इसे कहते हैं कि फीमेल का यूरेथ्रा ओनली यूरिनल डक्ट है, यूरिनल डक्ट है। क्लियर समझ गए। फीमेल का यूरेथ्रा सिर्फ और सिर्फ यूरिनल डक्ट है जबकि मेल का यूरेथ्रा यूरिनोजेनाइटल डक्ट है। क्लियर है। अब बात आई भाई, ये तो मेन डिफरेंसेस हो गए दोनों के अंदर। अब कुछ पॉइंट्स कि भाई मेल के यूरेथ्रा की लेंथ ज्यादा होती है तो वो कुछ पार्ट्स में डिफरेंशिएटेड होता है। क्लियर है। मेल के यूरेथ्रा के पार्ट्स होते हैं, जैसे एक पार्ट है इसमें प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, प्रोस्टेटिक पार्ट हो गया, ठीक है। एक पार्ट है इसमें मेम्ब्रेनस, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, मेम्ब्रेनस पार्ट। और एक थर्ड लास्ट पार्ट है पेनाइल, पेनाइल यूरेथ्रा, पेनाइल पार्ट। तो मेल यूरेथ्रा तो तीन पार्ट्स में डिफरेंशिएटेड है जबकि फीमेल यूरेथ्रा की लेंथ 4 सेंटीमीटर के करीब ही होती है और इसमें पार्ट्स होते ही नहीं, पार्ट्स ही एब्सेंट है फीमेल यूरेथ्रा में, पार्ट्स नहीं होते। क्लियर है। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस है मेल और फीमेल यूरेथ्रा के अंदर, समझ रहे हो। मेल यूरेथ्रा 17 सेंटीमीटर जबकि फीमेल यूरेथ्रा 4 सेंटीमीटर के अप्रोक्स होता है। मेल यूरेथ्रा से यूरिन के साथ साथ गैमेट्स आएंगे इसलिए उसे यूरिनोजेनाइटल डक्ट बोलते हैं। फीमेल के यूरेथ्रा से सिर्फ और सिर्फ यूरिन आएगा इसलिए यूरिनल डक्ट बोलते हैं। मेल यूरेथ्रा के तीन पार्ट होते हैं प्रोस्टेटिक, मेम्ब्रेनस और पेनाइल पार्ट जबकि फीमेल यूरेथ्रा में पार्ट होते ही नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया, निपटा हुई। ये है डिफरेंस यूरेथ्रा में, मेल और फीमेल यूरेथ्रा में हुआ। क्लियर है। चलो अब अपन बात करेंगे नेक्स्ट, नेक्स्ट यानी नेक्स्ट पॉइंट अपना कि एक बार नीट के अंदर इसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है, यानी इसी यूरेथ्रल टॉपिक से या यूरेथ्रा टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया था। किस तरह का क्वेश्चन था भाई? क्वेश्चन था कि एग्जामिनर ने पूछा फ्रॉग मेल का। अब तुम लोग कहोगे सर क्वेश्चन तो फ्रॉग का हो गया, सुनो, फ्रॉग मेल का यूरेथ्रा किसके यूरेथ्रा जैसा है? ऑप्शंस थे ह्यूमन मेल, ह्यूमन फीमेल, क्लियर है, फ्रॉग फीमेल और कॉकरोच, किसके यूरेथ्रा जैसा यूरेथ्रा है, समझ रहे हो, क्लियर। और ये अप्रोक्सीमेट अगर आई एम नॉट रॉन्ग ये नीट 2016-17 के राउंड का क्वेश्चन है। क्लियर है। क्वेश्चन में फ्रॉग और ह्यूमंस के यूरेथ्रा के स्ट्रक्चर को कंपेयर किया गया था किस तरह। तो देखो उसमें था मेल फ्रॉग के यूरेथ्रा की बात की गई थी, क्लियर है, ह्यूमन मेल के यूरेथ्रा की बात की गई थी और ह्यूमन फीमेल के यूरेथ्रा की बात की गई थी। क्लियर, समझ रहे हो। तो देखो अब हम लोग, अब तक हम लोगों ने ह्यूमन के मेल और फीमेल के बारे में बात की है, फ्रॉग के नहीं ना, तो पहले इतनी को निपटाते हैं, ठीक है। हम लोगों ने अभी अभी बात की कि ह्यूमन मेल के जो यूरेथ्रा है, सॉरी ह्यूमन मेल का जो यूरेथ्रा है इसे क्या कहा जाता है, ये यूरिनोजेनाइटल डक्ट है, यूरिनोजेनाइटल डक्ट है, क्लियर है, यानी इसके अंदर से यूरिन और गैमेट्स दोनों सिक्रेट किए जाएंगे, एक्सक्रेट किए जाएंगे, रिलीज किए जाएंगे, जबकि फीमेल यूरेथ्रा ओनली यूरिनल डक्ट है। क्लियर है, सिर्फ और सिर्फ यूरिन आएगा, यूरिनल डक्ट है। ये अभी अभी हम लोग पढ़ करके आए हैं डिफरेंस, है ना। तो देखो अब डायग्राम से देखते हैं ये चीज कैसे होती है भाई। स्टार्टिंग होती है किडनी से, किडनी से निकला यूरेटर, क्लियर है, और यूरेटर घुस गया यूरिनरी ब्लडर में, यूरिनरी ब्लडर से निकला यूरेथ्रा, समझ रहे हो। इसको थोड़ा सा लंबा बनाना क्योंकि मेल का ही है, ठीक है। अब ये यूरेथ्रा निकला, हम लोग कह रहे हैं कि भाई इसमें यूरिन तो आता है, यानी यूरिन यहां बना, क्लियर है,
और वो यहां से फ्लो होता हुआ आया यहां और यहां से आ जाएगा बाहर। यूरिन तो आता है, यूरिन के साथ साथ गैमेट्स भी आते हैं। गैमेट्स कैसे आते हैं भाई? तो हमारे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हैं टेस्टिस, क्लियर है? हमारे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हैं टेस्टिस, और टेस्टिस इस तरह हैं, टेस्टिस पाउच के अंदर प्रेजेंट होते हैं, क्लियर है? ये टेस्टिस है अपने, ठीक है? ये क्या है? टेस्टिस है। अब मैं एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं बना रहा, जस्ट तुम्हें आइडिया दे रहा हूं, क्लियर है? और इनसे निकलती है एक वेसल, एक डक्ट बोल दो, जो कि स्पर्म लेकर के आती है, और ये डक्ट इस यूरिनरी ब्लडर के ऊपर से चक्कर खा करके, मतलब यूरिनरी ब्लडर के ऊपर से राउंड अबाउट होकर के आती है और यहां जुड़ जाती है, ठीक है? आती है और इस यूरेथ्रा में जुड़ जाती है, इस तरह से, समझ रहे हो? ये है, ठीक है? अब दूसरी टेस्टिस से भी इसी तरह की डक्ट आएगी, और वो भी इसी तरह आकर के यहां जुड़ जाएगी, वो भी इसी तरह आकर के यहां जुड़ जाएगी यूरेथ्रा में। तो ये डक्ट टेस्टिस से लेकर के आएगी स्पर्म, ये स्ट्रक्चर है टेस्टिस। टेस्टिस, टेस्टिस से जो डक्ट निकल के आ रही है, जो स्पर्म लेकर के आएगी, ये डक्ट है वॉस, या फिर वास्था डिफरेंस या बोल दो, या वास डिफरेंस, वास्था डिफरेंसिया बोलो, मोर करेक्ट रहेगा, वास्था डिफरेंसिया। ये डक्ट क्या है? वास्था डिफरेंसिया डक्ट है। तो इस वजह से इस यूरेथ्रा से यूरिन के साथ साथ स्पर्म्स भी आते हैं, यानी हमारे गैमेट्स भी आते हैं, इसलिए इसे यूरिनोजेनाइटल डक्ट कहा है हम लोगों ने, ठीक है? पता चला? चलो अब फीमेल यूरेथ्रा पे आते हैं। फीमेल यूरेथ्रा भाई, यहाँ ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, यानी यहाँ सिर्फ और सिर्फ यूरिन रिलीज किया जाएगा, क्लियर है? यहाँ सिर्फ और सिर्फ यूरिन रिलीज किया जाएगा, ये थोड़ा सा छोटा बनाना क्योंकि फीमेल यूरेथ्रा है, क्लियर है? यहां से ओनली ओन यूरिन आएगा। तो ये डिफरेंस पता चल रहा है? ये डिफरेंस समझ पा रहे हो ना, मेल और फीमेल यूरेथ्रा का, क्लियर है? तो ये डिफरेंस है मेल और फीमेल यूरेथ्रा, वो ओनली ओन यूरिनल डक्ट है और ये यूरिनोजेनाइटल डक्ट है, समझ गए? तो मेल के अंदर यूरिनोजेनाइटल डक्ट होता है, फीमेल में यूरिनल डक्ट होता है, यूरेथ्रा। अब अगर अपन बात करें कि भाई उसने कंपेयर किया था मेल फ्रॉग को, तो मेल फ्रॉग किसके जैसा यूरेथ्रा रखता है? इन दोनों, ये दोनों मेन ऑप्शन थे, कॉकरोच तो चलो फिर भी इरेडिकेट कर दो, हटा दो, तो ये दोनों मेन ऑप्शन थे, इन दोनों मेन ऑप्शन में से किसके जैसा यूरेथ्रा रखता है? तो भाई देख लेते, स्ट्रक्चर देखने से पता चलेगा, फिर हम बताएंगे कि मेल फ्रॉग का यूरेथ्रा कैसा है, ठीक है? होता क्या है कि भाई फ्रॉग के अंदर ये जो किडनी है ना, फ्रॉग के अंदर ये जो किडनी है, क्लियर है? इस किडनी में क्या होता है कि भाई यहां यूरिन फॉर्म किया जाता है और यहां से एक डक्ट निकलती है, यहां से एक डक्ट निकलती है, क्लियर है? अब ये डक्ट क्या होगी भाई? ये डक्ट किडनी से निकल रही है तो तुम लोग यूरेटर भी बोल सकते हो, और एट लास्ट यही बाहर रिलीज करेगी ऑल ओवर मटेरियल को, तो इसको यूरेथ्रा भी बोल सकते हो, जनरली इसे यूरेथ्रा बोला जाता है। ये क्या है? ये है किडनी इसकी, क्लियर है? तो किडनी से ये डक्ट आ रही है भाई, इसके डक्ट में, इस यूरेथ्रा में, या यूरेटर बोल दो, इसके अंदर इसकी टेस्टिस से आने वाली एक डक्ट, ये है इसकी टेस्टिस, क्लियर है? ये फ्रॉग की टेस्टिस है,
इसकी टेस्टिस से आने वाली एक डक्ट जुड़ती है, क्लियर है, इसकी टेस्टिस से आने वाली एक डक्ट जुड़ती है इस तरह का स्ट्रक्चर बना करके, क्लियर है, इस तरह का स्ट्रक्चर बना करके एक डक्ट जुड़ती है। अब टेस्टिस से ये जो डक्ट आ रही है इसको हम लोग कहते हैं, ये है वास्ता एफरेंसिया, वास्ता एफरेंसिया है, और वास्ता एफरेंसिया इस यूरेथ्रा से, इस यूरेथ्रा से जहां पर जुड़ता है ये थोड़ा सा स्वेलन पार्ट बन जाता है, स्वेलन स्ट्रक्चर बन जाता है, और इस स्ट्रक्चर को हम लोग नाम देते हैं बीडर्स कैनाल, बीडर्स कैनाल, साइंटिस्ट था उसके नाम पे दिया है बीडर्स कैनाल, क्लियर है। तो बीडर्स कैनाल में वास्ता एफरेंसिया जुड़ती है यूरेथ्रा से, समझ गए। और अब ये जो यूरेथ्रा बाहर ओपन हो रहा है ना, इसकी ओपनिंग को हम लोग कहते हैं क्लोका, क्लियर है, इसकी ओपनिंग को कहा जाता है क्लोका। अब क्लोका देखो कैसा होगा, क्लोका अगर मैं इसको थोड़ा सा ब्रॉड करके बनाऊ ना तो क्लोका इस तरह का स्ट्रक्चर होगा सामने से देखने पे, ठीक है, कैसा कि भाई इसके अंदर तीन अलग अलग ओपनिंग मिलेंगी हमें, छोटी छोटी, ये तीन ओपनिंग कौन कौन सी है, तो देखो ये तीन ओपनिंग में से एक ओपनिंग से तो रिलीज होगा, क्या रिलीज होगा, यूरिन, क्लियर है, और दूसरी ओपनिंग से रिलीज होगा क्या, गैमेट, और जो थर्ड ओपनिंग है इस तीसरी ओपनिंग से रिलीज किया जाएगा फीकल मटेरियल, क्लियर है, फीकल मटेरियल, फीसिस, फीकल मटेरियल। तो ये तीन ओपनिंग होती है क्लोका में, जिसमें से एक से यूरिन, एक से गैमेट और एक से फीकल मटेरियल एक्सक्रीट किया जाता है, रिलीज किया जाता है। तो अब हम लोग बता सकते हैं ना कि भाई जो फ्रॉग का यूरेथ्रा है वो मेल में, सॉरी ह्यूमन में मेल और फीमेल किसके जैसा है, किसके जैसा है, ह्यूमन मेल जैसा है, क्यों भाई, इससे भी तो गैमेट्स आ रहे हैं, ह्यूमन मेल यूरिनोजेनाइटल डक्ट बना रहे हैं, ये भी तो यूरिनोजेनाइटल डक्ट बन गया ना, इससे यूरिन भी आ रहा है और गैमेट्स भी सिक्रेट हो रहे हैं, समझ रहे हो, तो ये ह्यूमन मेल जैसा है, क्लियर है, तो इसका यूरेथ्रा भी यूरिनोजेनाइटल डक्ट है, यूरिनोजेनाइटल डक्ट है, क्लियर है। ये क्वेश्चन था कहां, अप्रोक्सीमेट अगर रफ आइडिया माने तो नीट 2017 का क्वेश्चन है ये, क्लियर है, नीट 2017 का बैक ईयर पेपर उठा करके देखोगे मिल जाएगा, क्लियर है। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था, नॉर्मल है, कोई बड़ी महाभारत नहीं है, बट याद रखना पड़ता है, समझ गए, ये है निपटाओ, ये है कंपैरिजन, हो गया, चलो ये भी यूरेथ्रा की बात थी, समझ रहे हो, तो यहाँ यूरेथ्रा भी कंप्लीट होता है। तो अब हम लोग कह सकते हैं कि भाई हम लोगों ने एक्सक्रीटरी सिस्टम के चारों स्ट्रक्चर्स सेपरेटली डिस्कस कर लिए, क्लियर है, समझ गए, चारों पार्ट अलग अलग डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। चलो तो अब बात करते हैं अपन उस पोर्शन की, उस टॉपिक के जो हम लोगों ने बीच में छोड़ा था, क्या छोड़ा था, किडनी डिस्कस करते वक्त किडनी के स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट बीच में छोड़ी थी, हम लोगों ने कहा था ये कॉम्प्लेक्स है अलग से डिस्कस करेंगे, अब उसके बारे आ जाओ बिन लपेटा, ठीक है, किसको, नेफ्रॉन को, तो एडिंग लगाओ, हम बात करेंगे नेफ्रॉन की, क्लियर है, तो नेफ्रॉन की बात करेंगे, जस्ट अ सेकंड रुको, नेफ्रॉन की बात करेंगे, पहले पता कर लेते हैं कि नेफ्रॉन, नेफ्रॉन कितने होते हैं, ठीक है, समझ रहे हो ना, नेफ्रॉन के नंबर पता कर लेते हैं, इनकी बातें करनी है ना तो जरूरी है, समझ रहे हो, क्लियर है। तो एक रफ आइडिया बनाते हैं हमारी किडनी का, क्लियर, यानी किडनी में क्या कुछ है ये डिस्कस कर लेते हैं, फिर अपन स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट पे चलेंगे। तो किडनी में क्या कुछ है, अगर हम लोग डिस्कस करें एक किडनी के बारे में, क्लियर, एक किडनी के बारे में डिस्कशन स्टार्ट करें, एक किडनी को लेकर के चले, हालांकि दो है,
एक बेच के आईफोन लिया या एक की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं नहीं, तुम लोगों की बेच दी, ठीक है। चलो एक किडनी की बात कर रहे हैं कि एक किडनी में क्या होगा, तो एक किडनी में इसकी स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट यानी नेफ्रोन होते हैं तकरीबन, नेफ्रोन कितने होते हैं, तकरीबन 10 लाख, क्लियर है, यानी 1 मिलियन, ये अप्रोक्सीमेट 10 से 12 लाख होते हैं, 1 to 1.2 मिलियन, क्लियर, समझ रहे हो, ये है, ये नंबर है नेफ्रॉन्स के, किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स के नंबर है 1 मिलियन, समझ गए। चलो अब अगर बात करें भाई ये नेफ्रॉन्स कहाँ प्रेजेंट है, तो ये नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं पिरामिड्स में, मेडुला के जो पिरामिड है ना, यानी मेडुलरी पिरामिड्स में प्रेजेंट है। मेडुलरी पिरामिड कितने हैं, एक किडनी की बात करें तो एक किडनी में तकरीबन तकरीबन 8 से 12 मेडुलरी पिरामिड होते हैं, समझ रहे हो। तो अब तुम लोग बता सकते हो ना एक मेडुलरी पिरामिड में कितने नेफ्रोन होंगे, निकाल लो, 10 लाख को डिवाइड कर दो 8 से 12 से, ठीक है, निकल आएंगे, ये है। चलो अब मेडुलरी पिरामिड में हम लोगों ने देखा था स्ट्रक्चर, किस तरह का स्ट्रक्चर, कि भाई मेडुलरी पिरामिड ओपन होते हैं कहाँ, माइनर कैलेक्स में, क्लियर है, देखा था ना ये बातें की थी, तो माइनर कैलेक्स कितने होंगे फिर, तो एक मेडुलरी पिरामिड के लिए एक माइनर कैलेक्स है, मेडुलरी पिरामिड कितने हैं, मेडुलरी पिरामिड 8 से 12 है, तो माइनर कैलेक्स भी 8 से 12 ही होंगे। अब माइनर कैलेक्स कहाँ ओपन होते, कंडक्शन पाथ की बात कर रहा हूं मैं उसी की, ठीक है, जो हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब माइनर कैलेक्स कहाँ ओपन होते हैं, मेजर कैलेक्स में, तो मेजर कैलेक्स कितने होंगे ये बात कर लेते हैं। तो भाई मेजर कैलेक्स लगभग 3 माइनर कैलेक्स एक मेजर कैलेक्स में ओपन होता है, समझ रहे हो, तो मेजर कैलेक्स में कितने बताएंगे हम लोग नंबर, मेजर कैलेक्स के कितने होते हैं, अगर पिरामिड मान लो 12 है, माइनर कैलेक्स 12 है, एक मेजर कैलेक्स में 3 माइनर कैलेक्स ओपन होते हैं, तो मेजर कैलेक्स के नंबर माइनर कैलेक्स के नंबर के बजाय 1/3 नहीं हो जाएंगे, हो जाएंगे ना, तो इसको 1/3 कर दो आ जाएगा नंबर, मेजर कैलेक्स के नंबर होते हैं 3 to 4, क्लियर है, क्या बार आ समझ रहे हो ना, 3 to 4 मेजर कैलेक्स होते हैं, क्लियर है। फिर नेक्स्ट पॉइंट कि भाई एक किडनी के अंदर, अब ये किडनी का जो स्ट्रक्चर हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं ना, ये किडनी का स्ट्रक्चर है, किडनी का पार्ट है, नेफ्रोन का पार्ट नहीं है, समझ रहे हो, किस तरह से अभी पता चल जाएगा। हम बात कर रहे हैं एक किडनी में कलेक्टिंग डक्ट कितनी होती है, कलेक्टिंग डक्ट कितनी होती है, क्लियर है, तो कलेक्टिंग डक्ट वो ट्यूब है, वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो नेफ्रॉन में बनने वाले यूरिन को कलेक्ट करेगी। हम लोगों ने कंडक्शन पाथ पढ़ा, बात की थी इसके बारे में, है ना, तो इस कंडक्शन पाथ के जो स्टार्टिंग होती है जहां से यूरिन तो हम यूज करना स्टार्ट करते हैं कलेक्टिंग डक्ट, हालांकि ये नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है बट किडनी का तो पार्ट है, इसलिए किडनी में डिस्कस कर रहे हैं कि एक कलेक्टिंग डक्ट कितनी होती है भाई किडनी के अंदर, तो ये कलेक्टिंग डक्ट होती है किडनी के अंदर तकरीबन 250, सॉरी, एक किडनी के अंदर तकरीबन 250 250 कलेक्टिंग डक्ट होती है, क्लियर है। अब 250 कलेक्टिंग डक्ट है तो क्या, और नेफ्रोन है 10 लाख, तो क्या हम कह सकते हैं कि एक नेफ्रोन के लिए एक कलेक्टिंग डक्ट है, भी नहीं, तो यहां से हमें पता चलता है, हम नोट करते हैं कि इट इज नोट अ पार्ट ऑफ अ सिंगल नेफ्रोन, सिंगल नेफ्रोन, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ सिंगल नेफ्रोन, ये किसी एक नेफ्रोन का हिस्सा नहीं है, 10 लाख नेफ्रॉन पे 250 ही है, समझ रहे हो, तो यहां से हम डिवाइड करके निकाल सकते हैं कि एक कलेक्टिंग डक्ट के हिस्से में कितने नेफ्रॉन आते हैं, समझ गए, कितने आएंगे निकालो, तो एक कलेक्टिंग डक्ट के हिस्से में आएंगे हम लोग कहते हैं कि अप्रोक्सीमेटली अप्रोक्स 4000 नेफ्रॉन्स, 4000 नेफ्रॉन्स ओपन्स इनटू अ सिंगल कलेक्टिंग डक्ट,
opens into a single collecting duct. A single collecting duct. एक collecting duct में तकरीबन 4000 nephron open होते हैं, खुलते हैं, समझ रहे हो? इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि भाई किसी एक nephron का part नहीं है ये, समझ गए? एक किडनी की बात की, एक किडनी में नेफ्रोन कितने, नेफ्रोन कहां प्रेजेंट है, मेडुलरी पिरामिड में, पिरामिड कितने, मेडुलरी पिरामिड ओपन होते हैं माइनर कैलेक्स में, माइनर कैलेक्स कितने, माइनर कैलेक्स ओपन होते हैं मेजर कैलेक्स में, मेजर कैलेक्स कितने, और ये कलेक्टिंग डक्ट कितनी, समझ रहे हो? अभी समझ गए, क्लियर है ना? चलो तो ये है पॉइंट्स एक किडनी के अंदर, ठीक है, निपटाओ इसे। ये स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं, याद ही रखनी है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं यहां से, समझ गए? ये एक किडनी की बात है, अगर तुम लोगों से ऑल ओवर किडनी की बात करें, मतलब दोनों किडनीज की ऑल ओवर एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें, तो जस्ट डबल हो जाएगा, ठीक है, यानी 20 लाख नेफ्रोन, ठीक है, 16 से 24 मेडुलरी पिरामिड, 16 से 24 माइनर कैलेक्स, ठीक है, ऐसे 8 कित क्या हो जाएंगे मेजर कैलेक्स, क्लियर है? कलेक्टिंग डक्ट हो जाएगी 500, समझ रहे हो? ये है, चलो ये एक किडनी की बात थी। अब हम लोगों को पता चला कि नेफ्रोन कितने हैं, अब हम शुरू करते हैं नेफ्रोन के बारे में पढ़ना, ठीक है, चलो। तो देखो अगर बात करें नेफ्रोन की तो क्या होता है, नेफ्रोन हमारी किडनी की स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है, क्लियर है? क्या है? किडनी की स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, क्लियर है? समझ गए? नंबर पता चले तुम्हें कितने हैं? 20 लाख, यानी 2 मिलियन टोटल, टोटल मतलब दोनों किडनी में, क्लियर है? समझ रहे हो? टोटल 2 मिलियन है, 20 लाख है, क्लियर हो गया? अब बात करते हैं कि भाई नेफ्रोन के पार्ट कौन कौन से हैं। तो नेफ्रोन के पार्ट्स देखो, नेफ्रोन में दो तरह के पार्ट होते हैं, क्लियर है? टू टाइप्स, दो तरह के पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से? तो पहला टाइप है नेफ्रोन में, पहला पार्ट है ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस, क्लियर है? ग्लोमेरुलस पार्ट है फर्स्ट पार्ट नेफ्रोन में, और सेकंड पार्ट है नेफ्रोन में रीनल ट्यूब्यूल्स, रीनल ट्यूब्यूल्स, क्लियर है? तो दो तरह के पार्ट हैं ग्लोमेरुलस और रीनल ट्यूब्यूल्स। अब बात आती है कि भाई ग्लोमेरुलस क्या है और रीनल ट्यूब्यूल्स क्या है, तो देखो ग्लोमेरुलस क्या होता है, ये है टफ्ट या फिर बंस, टफ्ट या बंस का मतलब क्या होता है, गुच्छा, किसका? ऑफ ब्लड कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज, यानी ब्लड कैपिलरीज का गुच्छा है। अब ब्लड कैपिलरीज की गुच्छे की नेफ्रोन में क्या बात है, सोचने वाली चीज है ना? तो भाई यहीं से पता चलता है नेफ्रोन का काम है यूरिन बनाना, यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन कैसे बनता है? ब्लड को फिल्टर करके, और ब्लड ब्लड वेसल में बहता है, और एक टाइप की ब्लड वेसल है कैपिलरी, क्लियर है? तो ये है कैपिलरी का गुच्छा, कैपिलरी का टफ्ट बंस ग्लोमेरुलस। नेक्स्ट रीनल ट्यूब्यूल्स, रीनल वर्ड यूज होता है किडनी के लिए, तो ये किडनी के स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है नेफ्रोन। चलो ट्यूब्यूल्स मतलब ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, यानी इसके अंदर जो ट्यूब जैसे पार्ट है उनकी बात हो रही है, क्लियर है? ट्यूब जैसे पार्ट में क्या आएगा, यहां सबसे पहला पार्ट आता है बीसी, मतलब बोमन कैप्सूल, क्लियर है? चलो नेक्स्ट पार्ट है पीसीटी, नेक्स्ट रीनल ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है हेनलेज लूप, नेक्स्ट ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है डीसीटी,
और एट लास्ट हालांकि ये एक नेफ्रोन का पार्ट नहीं होता बट इसे छोड़ भी नहीं सकते, किडनी का पार्ट है तो कंसिडर तो नेफ्रोन के साथ ही करेंगे, कलेक्टिंग डक्ट सीडी, समझ रहे हो। और इसको थोड़ा सा सेपरेट दिखाने के लिए ऐसे राउंड कर देना, याद रहेगा तुम्हें। नॉट अ पार्ट ऑफ अ सिंगल नेफ्रोन, अप्रोक्सीमेट 4000 नेफ्रोन ओपन्स इनटू अ सिंगल कलेक्टिंग डक्ट, क्लियर हो गया, समझ रहे हो ना। तो ये है नेफ्रोन के पार्ट, रीनल ट्यूब्यूल्स। अब नेफ्रोन जो है स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है किडनी की, तो एक चीज ध्यान दो भाई, इसका काम है यूरिन फॉर्मेशन करना, ठीक है, इसलिए इसको एक और नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है इसे, कहा जाता है यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल नेफ्रोन का ही दूसरा नाम है, क्लियर है। तो तुम लोगों से नेफ्रोन ना पूछ के यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल पूछ ले तो भी क्या बताना है, नेफ्रोन ही बताना है, समझ गए, ये पॉइंट क्लियर हुआ। चलो अब हम बात करते हैं पर्टिकुलर नेफ्रोन के एक एक पार्ट की, ठीक है। सबसे पहले ग्लोमेरुलस, फिर रीनल ट्यूब्यूल्स निपटाएंगे, तो ये उल्टा लो जल्दी 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 निपटाओ, अरे निपटा लियो के तो सुनो ना, दौड़ देशू। चलो ये है नेफ्रोन के पार्ट्स, अब एक एक पार्ट की बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले नेफ्रोन के स्ट्रक्चर से स्टार्ट करते हैं, ये सारे पार्ट्स के अरेंजमेंट देखते हुए चलते हैं अपन, ठीक है, क्लियर है। नेफ्रोन का स्ट्रक्चर नेफ्रोन का स्ट्रक्चर थोड़ा सा समझते हुए बनाना, देखो क्लियर। ये है नेफ्रोन का स्ट्रक्चर, ये एक नेफ्रोन का स्ट्रक्चर है, क्लियर है। ये क्या है, एक नेफ्रोन का स्ट्रक्चर है, समझ रहे हो। हालांकि अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, कंप्लीट कब होगा, जब हम लोग यहां ब्लड कैपिलरीज का ये टफ्ट ये बंस बनाएंगे, एक चीज तुम लोगों ने ध्यान दी, जब ये ब्लड कैपिलरीज का बंस बना रहा था इंटर करते वक्त मैंने इंटर करने वाली पाइप की साइज बड़ी रखी है, एग्जिट करने वाली पाइप की साइज छोटी रखी है, होता भी ऐसा ही है, घुसते वक्त साइज बड़ा होता है और निकलते वक्त साइज छोटा हो जाता है, होता है, ये नॉर्मल नेचुरल प्रोसेस, ठीक है। यहां क्यों हुई है ये अपन बात करेंगे, तुम लोग बनाओ, ठीक है। ये नेफ्रोन का स्ट्रक्चर, अब अगर इस स्ट्रक्चरल स्पेसिफिकेशन की बात करें, इसे लेवलाइज करें, तो देखो ये जो स्ट्रक्चर बना है रेड कलर का, ये जो इस तरह का स्ट्रक्चर है, यही है ग्लोमेरुलस, यही है ग्लोमेरुलस, क्लियर है। टफ्ट ऑफ ब्लड कैपिलरीज, बंच ऑफ ब्लड कैपिलरीज, क्लियर है। और ये प्रेजेंट है किसके अंदर, इस कप शेप्ड स्ट्रक्चर के अंदर, इसे कहा जाता है
बोमन, बोमन साइंटिस्ट था तो हम लोग कहते हैं ये बोमन का कैप्सूल है, बोमन्स कैप्सूल, क्लियर है, जिसके अंदर ग्लोमेरुलस घुसा रखा है, समझ गए, ये है बोमन्स कैप्सूल। अब इन दोनों स्ट्रक्चर्स को हम लोग कंबाइनली एक और टर्म देते हैं, इनके लिए एक और टर्म यूज करते हैं जिसमें ग्लोमेरुलस और बोमन कैप्सूल दोनों कंसिडर किए जाएंगे, ये स्ट्रक्चर कहलाती है मेल्फिजियन, मेल्फिजियन बॉडी, या फिर इन्हें कहा जाता है रीनल कॉर्पसल्स, रीनल कॉर्पसल्स, क्लियर है, मेल्फिजियन बॉडी या फिर रीनल कॉर्पसल, इनके लिए यूज होने वाली दूसरी टर्म है। नेक्स्ट, इस कैप्सूल के बाद ये जो स्ट्रक्चर है जहां इस कोइल्ड पोर्शन के साथ ये कैप्सूल जुड़ा है, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं, ये है नेफ्रोन की नेक, गर्दन है, ठीक है, और यहां से स्टार्ट होता है फिर एक कोइल्ड पोर्शन, ठीक है, जो कि स्टार्टिंग में ही है, इसलिए इसको नाम दिया जाता है प्रोक्सिमल, प्रोक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड, प्रोक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड, और ये ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है तो ट्यूब्यूल, प्रोक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल्स, क्लियर है, शॉर्ट हैंड इसे कहते हैं हम लोग पीसीटी, जैसे शॉर्ट हैंड बोमन कैप्सूल को कहते हैं बीसी, ठीक है, ये है, चलो पीसीटी, ये कोइल्ड पोर्शन यहां तक ये है, यहां खत्म होने के बाद ये लॉन्ग लूप स्टार्ट हो जाता है, और इस लूप को हमें बताया गया था, डिफाइन किया था किसने, हेनले नाम के साइंटिस्ट ने, क्लियर है, तो ये है हेनलेज लूप, हेनले का लूप, ठीक है, चलो लूप में क्या है, एक आर्म है, एक साइड है जो नीचे की तरफ मूव कर रही है, इसे हम लोग कहते हैं, ये है इसकी डिसेंडिंग, ये है इसकी डिसेंडिंग आर्म, क्लियर है, या डिसेंडिंग लिंब बोल दो, समझ गए, किसकी, ऑफ हेनले लूप, ऑफ हेनले लूप, क्लियर है, चलो एक है इसकी असेंडिंग आर्म, असेंडिंग लिंब, ठीक है, बट इसमें डिफरेंस है, असेंडिंग लिंब में दो पार्ट हो जाते हैं, एक थोड़ा सा मोटा हिस्सा है जिसे बोलेंगे थिक सेगमेंट, क्लियर है, थिक सेगमेंट, और एक है थोड़ा सा पतला जिसे बोलेंगे थिन सेगमेंट, और ये सेगमेंट किसके हैं, ये सेगमेंट है असेंडिंग आर्म, असेंडिंग लिंब के, असेंडिंग आर्म के, क्लियर, ये है थिक सेगमेंट एंड थिन सेगमेंट, और असेंडिंग आर्म किसकी है, हेनले के लूप की असेंडिंग आर्म है, क्लियर, हेनले के लूप की असेंडिंग आर्म है, फिर लास्ट में जाते जाते भी ये पार्ट थोड़ी सी कोइलिंग शो करता है, और इस कोइल्ड पोर्शन को हम लोग क्या कहते हैं, ये दूर है ना यहां नेफ्रोन की स्टार्टिंग से, तो इसे कहा जाता है डिस्टल, डिस्टल कॉन्व्यूलेटेड, डिस्टल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल, क्लियर है, और इसे शॉर्ट हैंड में कहा जाता है डीसीटी, डिस्टल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल, क्लियर है, समझ गए, ये है। नेक्स्ट, अब यहां नेफ्रोन के तो सारे पार्ट हो गए, लास्ट पार्ट बचा जो कि नेफ्रोन का पार्ट है भी और नहीं भी, ठीक है, हम जुदा भी होकर के जुदा ना हो पाए, समझ रहे हो, हम जुदा होकर के भी जुदा ना हो पाए, वो वाली बात है, हम पार्ट होकर के भी पार्ट नहीं हो पाए, क्योंकि कलेक्टिंग डक्ट नेफ्रोन को बोलती है जा, तेरे जैसे 3999 और है मेरे पास, किस किस का पूरा पाड़ूं, तो किसी एक की नहीं हो सकती, कलेक्टिंग डक्ट ये सब की है, मतलब ये लास्ट पार्ट है, ये है कलेक्टिंग डक्ट, ये है कलेक्टिंग डक्ट, और जिसे हम एब्रिवेट करके बोलते हैं सीडी, कलेक्टिंग डक्ट है, क्लियर है, समझ रहे हो, ये है नेफ्रोन के पार्ट,
अब ये जो जनरल पार्ट है वो डिस्कस किए हम लोगों ने, अब थोड़ी सी डिटेल में चलते हैं। भाई ये ग्लोमेरुलस है ना, ये बना किससे? ब्लड कैपिलरीज से। कैपिलरीज क्या होती है? कैपिलरीज फाइन ब्रांचिंग होती है। किसकी? भाई बनती हैं कैपिलरीज हमेशा आर्टेरियोल से। तो यहां कौन बना रहा है इन कैपिलरीज को? ये ब्लड वेसल बना रही है ना, ये ब्लड वेसल बना रही है, तो इसको हम लोग कहते हैं ये यहां इंटर कर रही है और ये है एफरेंट, एफरेंट आर्टेरियोल। और इसकी खास बात है कि भाई इसका डायमीटर ज्यादा है, इसका डायमीटर ज्यादा है। किससे ज्यादा है? अबे किससे ज्यादा है इसका डायमीटर? इस निकलने वाली ब्लड वेसल से। अबे निकलने वाली ब्लड वेसल इसे क्या कहेंगे? इसके लिए टर्म यूज होती है इफरेंट, इफरेंट आर्टेरियोल, इफरेंट आर्टेरियोल। और इफरेंट आर्टेरियोल में क्या होता है? डायमीटर कम होता है इसके कंपैरिजन में, एफरेंट के कंपैरिजन में। क्लियर है? डायमीटर कम होता है। क्लियर है? ये है, समझ रहे हो? मतलब एफरेंट थोड़ी सी चौड़ी होती है, इफरेंट थोड़ी सी बीड़ी होती है, इतनी चौड़ी नहीं होती। ठीक है, समझ गए? अब ये ऐसा क्यों हुआ है ये तब समझ आएगा जब इसकी मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे। यहां इतना ही समझो कि ये स्ट्रक्चर है, ये ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर है इसका, हमारे नेफ्रोन का। समझ गए? क्लियर है? निपटाओ इसे जल्दी, ये नेफ्रोन का स्ट्रक्चर है, जल्दी निपटाओ। हो गया, चलो अब आगे चलते हैं। तो ये नेफ्रोन का स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ, अब अपन चलते हैं इसमें से एक एक पार्ट डिस्कस करते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहले पार्ट से। सबसे पहला पार्ट क्या है भाई? सबसे पहला पार्ट है यहाँ मेल्फीजियन बॉडी या रीनल कॉर्पसल, है ना, वही है सबसे पहला पार्ट, मेल्फीजियन बॉडी या फिर रीनल कॉर्पसल। तो देखो क्या होता है, ये स्ट्रक्चर बनाए हैं दो स्ट्रक्चर्स के एसोसिएशन से। दो स्ट्रक्चर क्या क्या? बोमन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस के एसोसिएशन से। तो देखो किस तरह से डेवलप होता है ये स्ट्रक्चर। अब जो स्ट्रक्चर हम लोगों ने बनाया, पहली बात मैं यही क्लियर कर दूं कि ये नेफ्रोन का एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं है, ये जस्ट टू बी अंडरस्टैंड के लिए बनाया है, मतलब समझने के लिए बनाया, फॉर टू बी अंडरस्टैंड, ताकि हम लोग इसे समझ सके। क्लियर है? नहीं तो ये स्ट्रक्चर ऐसे फैला हुआ है ना, एक्चुअल में ये ऐसे होता है भिड़ा हुआ है, ये सारे पार्ट एक दूसरे के मतलब कतई नजदीक नजदीक घिसे हुए होते हैं, समझ रहे हो? क्लियर है? ये तो हम लोगों ने चौड़ा करके खोल के बनाया, हमें शौक है हर चीज चौड़ा करने की, तो ये भी कर दिया, समझ रहे हो? चलो अब थोड़ी सी और डिटेल में चलते हैं भाई। अब हम दो स्ट्रक्चर बनाएंगे, ये भी ओरिजिनल स्ट्रक्चर नहीं है, बट ये समझने के लिए हेल्पफुल है। कैसे? तो देखो ये स्ट्रक्चर बना रहे हैं हम लोग सबसे पहले पार्ट का। सबसे पहला पार्ट क्या है? मेल्फीजियन, मेल्फीजियन बॉडी। और मेल्फीजियन बॉडी कैसे बनी है? रीनल कॉर्पसल कैसे बना है? ये बना है ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस प्लस बोमन कैप्सूल, बोमन कैप्सूल से। ग्लोमेरुलस और बोमन कैप्सूल को इकट्ठा करने से, इनके एसोसिएशन से डायग्राम भी इन्हीं का बनेगा। तो देखो अब हम बना रहे हैं भाई, थोड़ा सा समझते हुए बनाना, पहले बता रहा हूं। क्लियर? दिस इज नॉट अ रियल स्ट्रक्चर, मतलब जो हम लोग बना रहे हैं, दिस इज नॉट अ रियल रिप्रेजेंटेशन, एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस स्ट्रक्चर।
समझ रहे हो, क्लियर है? एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन अलग होती है, हम लोग जस्ट समझने के पर्पज से बना रहे हैं ताकि हमें समझ आ सके, ठीक है? अब मैं चीख चीख के कह रहा हूं ये बात, कहीं कल कोई लेकर के आए डायग्राम, ठीक है? चलो अब देखो क्या होता है, ये स्ट्रक्चर है जिसे हम लोग कहते हैं बोमन कैप्सूल। ये क्या है? बोमन, बोमन कैप्सूल, और इसके अंदर ग्लोमेरुलस बना है, यानी ग्लोमेरुलस इससे अटैच होता है, एसोसिएटेड होता है। कैसे? ग्लोमेरुलस तो क्या है, ब्लड कैपिलरीज का गुच्छा है, तो भाई वही यहां एसोसिएटेड होता है इस तरह से, ठीक है? कैसे कि ये ब्लड कैपिलरीज इंटर, ब्लड वेसल इंटर कर रही है, और यहां से कैपिलरीज क्या करेंगी, देखो यहां इसकी दीवारों के साथ ऐसे सट जाएंगी, कतई लिपटा चिपटी हो जाएगी, मतलब जगह नहीं बचे हवा निकलने की भी, इतनी चिपक जाएंगी इससे, समझ रहे हो? इस तरह क्लियर है? ये ब्लड वेसल इस तरह से आएंगी, इस तरह से, ठीक है? यानी ऐसी अरेंजमेंट होगी इनकी, बिल्कुल इसकी दीवारों से सट करके, क्लियर है? और ये बाहर निकलते वक्त एक फ्रंट बना देगी। अब मैंने ऐसा क्यों बनाया, तो इसका कोई रीजन है, पहले लेबलाइज करूं। ये है एफ्रंट, टोड़े वाली एफ्रंट आर्टेरियोल, क्लियर है? जो कि थोड़ी सी चौड़ी है, और ये है इफ्रंट आर्टेरियोल, इफ्रंट आर्टेरियोल। अब देखो जो कि थोड़ी सी भीड़ी है, अब इन दोनों ने क्या बनाया है, यहां बोमन कैप्सूल के अंदर कैपिलरीज का बंडल डफ्ट बंच बना दिया, जो कि कहलाता है ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस, क्लियर है? ऐसा क्यों किया भाई? ऐसा इसलिए किया ताकि यहां जो फंक्शन परफॉर्म होता है उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाए, वो ज्यादा एफिशिएंटली परफॉर्म हो। मतलब भाई यहां क्या होता है, ब्लड के फिल्ट्रेशन की शुरुआत होती है यहां से, यहां ब्लड फिल्टर होना शुरू करता है। कैसे? कि भाई कैपिलरीज बनी, और कैपिलरीज हम लोग जानते हैं सिंगल लेयर्ड थिक होती है, एक जनरल ब्लड वेसल में तीन लेयर होती है, जबकि कैपिलरी ऐसी ब्लड वेसल है जो सिंगल लेयर्ड है, और इसमें से क्या हो सकता है, ब्लड का प्लाज्मा छण करके बाहर आ सकता है। बाहर कहां आए? इस बोमन कैप्सूल में। इसलिए ये जो ब्लड वेसल्स हैं, ये कैपिलरीज हैं, ये बोमन कैप्सूल की दीवार से कतई ऐसे सट के चलती है, ऐसे सट गई है, एक दूसरे के नजदीक लग गई है, समझ गए? ये हुआ है यहां, समझ रहे हो? इसलिए इस तरह रिप्रेजेंट किया है। अब इसके एक स्ट्रक्चर को हम लोग थोड़ा सा ज्यादा जूम करके देखें ना, तब हमें पता चलता है कि यहां फिल्ट्रेशन कैसे होती है। तो देखो इसके एक स्ट्रक्चर को थोड़ा जूम करें, तब हमें क्या मिलेगा। अभी हम लोग जूम कर रहे हैं स्ट्रक्चर को, तो हमें देखने को मिलेगी कि भाई एक ब्लड वेसल है, ठीक है? एक ब्लड वेसल है जिसको हम लोग कैपिलरी कह रहे हैं, और ये कैपिलरी कतई बोमन कैप्सूल के चिपक के चल रही है, ठीक है? और ये कैपिलरी की सिंगल लेयर थिक वॉल है, ठीक है? एक ही सेल मोटी ये परत है इसकी, सिंगल सेल थिक वॉल है, क्लियर है? ये कैपिलरी की दीवार है, ये कैपिलरी की दीवार है, ठीक है? एक ही साइड बना रहा हूं, दूसरी साइड नहीं बना रहा। क्यों नहीं बना रहा? क्योंकि क्यों टाइम वेस्ट किया जाए। तो देखो ये जो एक लेयर थिक वॉल है ना, ये कैसी है? अब कैपिलरी की दीवार को एक स्पेशल टर्म दी जाती है,
नॉर्मल ब्लड वेसल में तीन लेयर होती है, ट्यूनिका एक्सटर्ना, इंटरना और उनके बीच में ट्यूनिका मीडिया। यहां कैपिलरी जब बनती है ना कहीं भी किसी भी पार्ट में, तो ट्यूनिका एक्सटर्ना और मीडिया हट जाती है, सिर्फ ट्यूनिका इंटरना बच जाती है। और ट्यूनिका इंटरना को हम लोग जनरली कहते हैं एंडोथीलियम। तो ये क्या है? एंडोथीलियम, एंडोथीलियम ऑफ कैपिलरी, कैपिलरी का एंडोथीलियम है। क्लियर है? नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या होगा? इसके साथ क्लोज प्रोक्सिमिटी में प्रेजेंट है हमारे बोमन कैप्सूल की इंटरनल लेयर या इनर साइड की लेयर। अब बता सकते हो ना किस साइड की है ये? इनर साइड की है या इंटरनल है या एक्सटर्नल है, बता सकते हो ना? देखो, ये बाहर की तरफ है, ये एक्सटर्नल या आउटर लेयर, ये आउटर सरफेस होगी। अभी अंदर की तरफ है इनर विसरल इंटरनल सरफेस। क्लियर है? तो ये इंटरनल सरफेस है और इंटरनल सरफेस पे प्रेजेंट होती है कवरिंग, या इंटरनल सरफेस बनी होती है कुछ स्पेशल सेल्स की, जिन सेल्स में होते हैं छेद, छेद वाले सेल्स की बनी होती है ये। ठीक है? तो तुम लोग इस तरह बनाओगे कि भाई यहां है छेद, समझ रहे हो, यहां है छेद, और इन सेल्स को जिनके अंदर इस तरह से पोर बने होते हैं, ये पोरस सेल हैं, इन सेल्स को हम लोग कहते हैं ये है पोडोसाइट सेल्स। क्लियर है? ये क्या है? ये है पोडोसाइट सेल्स, पोडोसाइट सेल्स। क्लियर है? पोडोसाइट सेल्स हम लोगों ने कहा यहां पोर्स होते हैं, तो ये पोरस है, पोरस पोडोसाइट सेल्स है। क्लियर? नेक्स्ट, किस में है ये? ये है भाई इस बोमन कैप्सूल की इंटरनल लेयर में। क्लियर है? तो इसको किस तरह लिखेंगे? ये थोड़ा सा, ये मतलब भीड़ भाड़ का काम हो गया ना, इसको इस तरह लिखो, ये एंडोथीलियम को यहां लिखो। ये क्या है? एंडोथीलियम है, एंडोथीलियम ऑफ कैपिलरी, कैपिलरी का एंडोथीलियम है। और ये क्या है? ये है इंटरनल लेयर, इंटरनल लेयर ऑफ बोमन कैप्सूल, बोमन्स कैप्सूल। क्लियर है? अब यहां से हो रही है फिल्ट्रेशन, यहां हो रहा है ब्लड फिल्टर। क्लियर है? समझ गए? यहां ब्लड फिल्टर हो रहा है, यानी यहां जो फ्लो कर रहा है वो ब्लड फिल्टर होगा। फिल्टर कैसे होगा भाई? क्या होता है, यहां प्रेशर ग्रेडियंट काम करता है। कैसे? तो देखो, स्टार्टिंग में आ रही थी पाइप बड़ी, आते ही यहां हो गई पाइप छोटी। ठीक है? तो जब एकदम बड़ी पाइप के आगे छोटी पाइप लगा दी जाए तो प्रेशर बढ़ जाता है, क्योंकि वॉल्यूम घट जाती है। कभी पानी वाली पाइप के आगे अंगूठा लगा के देखा है? पानी ज्यादा दूर तक जाता है। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा प्रेशर से निकल रहा है, इसलिए ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। ज्यादा प्रेशर से क्यों निकला? क्योंकि हम लोगों ने अंगूठा अड़ा दिया, अंगूठा दे दिया। अब अंगूठा अड़ाने से क्या हुआ? वॉल्यूम कम हो गई और प्रेशर वॉल्यूम का, तो इनवर्स का रिलेशन होता है। ऐसा यहां हुआ है, पहले वॉल्यूम ज्यादा फिर वॉल्यूम कम कर दी एकदम, तो पहले प्रेशर कम फिर एकदम प्रेशर बढ़ जाता है, और वो प्रेशर से ये फिल्ट्रेशन हो जाती है। ठीक है? प्रेशर से इन कैपिलरीज से ये ब्लड पार्टिकल्स बाहर आ जाते हैं और इन पोडोसाइट सेल से होते हुए यहां बोमन कैप्सूल में आ जाते हैं। ठीक है? ये इस तरह से होती है फिल्ट्रेशन। तो भाई ये फिल्ट्रेशन होने के लिए, ये फिल्ट्रेशन होने के लिए इन दोनों लेयर्स को आपस में नजदीक नजदीक प्रेजेंट होना पड़ेगा, क्लोज प्रोक्सिमिटी में प्रेजेंट होना पड़ेगा, एक दूसरे से जुड़े रहना पड़ेगा। कैसे जुड़े रहते हैं? तो भाई क्या होता है, यहां जो ये जो कैपिलरी है, ये इसकी जो आउटर लेयर है ना इंडोथीलियम, ये कुछ बेसमेंट सब्सटेंस सिक्रीट करती है। ठीक है? ये कुछ बेसमेंट सब्सटेंस सिक्रीट करती है, और कुछ बेसमेंट सब्सटेंस हमारी इस इंटरनल लेयर, जो बोमन कैप्सूल की इंटरनल लेयर है, इससे सिक्रीट किए जाते हैं। ठीक है? कुछ बेसमेंट सब्सटेंस इंटरनल लेयर सिक्रीट करती है, और ये दोनों बेसमेंट सब्सटेंस आपस में जुड़ जाते हैं, और इस वजह से ये इन लेयर्स को एक दूसरे से अलग नहीं होने देते, चिपकाए रखते हैं। समझ गए? और अब इन दोनों बेसमेंट सब्सटेंसेस से बनी हुई ये जो बीच वाली लेयर है, इसे क्या कहेंगे?
ये कहलाती है बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, तो यहां तीन लेयर्स है, कैपिलरी की इंडोथीलियम, बेसमेंट मेम्ब्रेन और वुमन कैप्सूल की इंटरनल लेयर। ठीक है, या इनर लेयर बोल दो, क्लियर, या फिर इसको इनर लेयर बोल दो, कोई बड़ी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है, इनर लेयर बोल दो, क्लियर है, इनर लेयर ऑफ बोमन कैप्सूल या इंटरनल लेयर ऑफ बोमन कैप्सूल ये है। और ये वो जो पोर है ना इन पोडोसाइट सेल्स में जिनके थ्रू फिल्ट्रेशन हो रही है, इन्हें कहा जाता है फिल्ट्रेशन स्लिट, फिल्ट्रेशन स्लिट, क्लियर है, इस तरह से फिल्ट्रेशन हो रही है यहां। ठीक है, इस तरह से ब्लड फिल्टर होना स्टार्ट हो रहा है। तो भाई ये वो मेम्ब्रेन है जिससे फिल्ट्रेशन स्टार्ट हो रही है या जिसके थ्रू फिल्ट्रेशन हो रही है। तो इसी ही हम लोगों ने रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन पढ़ी थी, तो उसको नाम क्या दिया, रेस्पिरेटरी सरफेस, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। तो ये फिल्ट्रेशन के लिए काम आने वाली मेम्ब्रेन है, तो इसे नाम क्या देते हैं, इस मेम्ब्रेन को नाम दिया जाता है, इसे कहा जाता है फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। क्लियर है, क्या कहा जाता है इसे, ये है फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, समझ गए, इस तरह से बनी है, तीन लेयर से बनी है। तीन लेयर कौन कौन सी, मेम्ब्रेन थोड़ा भीड़ भाड़ में हो गया ना, आराम से लिखो इसको खोल के, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन तीन लेयर से बनी है। तीन लेयर कौन कौन सी भाई, तीन लेयर हैं, कैपिलरी की इंडोथीलियम, बेसमेंट मेम्ब्रेन और फिर ये पोडोसाइट सेल्स वाली इनर लेयर बोमन कैप्सूल की, इन तीनों से मिलकर के बनी है। क्लियर है, तो ये बन रही है फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। ये समझाने के लिए ये डायग्राम समझाया था, समझ लो, कतई चिप लिपटा चिपकी हो रखी है, आपस में चिपक रखी है, तब जाकर के ये फिल्ट्रेशन पॉसिबल हुई है। समझ गए, दोनों डायग्राम क्लियर हुए, कोई दिक्कत नहीं, चलो तुम लोग नोट करो और ये स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलो ये है मैल्थीजियन बॉडी, क्लियर, बाकी पॉइंट्स अपन कल डिस्कस करेंगे।